हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। बुद्धि का श्रेष्ठ मार्ग पर चलना आवश्यक है, क्योंकि अगर आज सबसे ज्यादा कहीं भटकाव है तो व्यक्ति के विचारों में है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरे करते करते, अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को पूरे करते करते कई बार उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने हमें यहाँ धरती पर कुछ खास करने के लिए भेजा है। वह चाहता तो हमें कोई जानवर भी बना सकता था, वह चाहता तो हमें बांग देने के लिए मुर्गा बना सकता था, भौंकने के लिए कुत्ता बना सकता था। अगर हम जानवर बनते तो क्या करते, जानवर दो ही काम किया करते, पेट पूजा किया करते और प्रजनन किया करते, बच्चे पैदा करते या खाते हैं, दो ही काम किया करते हैं। लेकिन ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो कुछ तो विशेषता होनी चाहिए ना हमारे कर्म में। इस इंसान जैसा कोई और जानवर, कोई और जीव है क्या? इंसान जैसा कोई श्रेष्ठ दूसरा जीव नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि अगर है तो किसकी है? मनुष्य की है। क्यों है सर्वश्रेष्ठ? क्या सिर्फ इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि अन्य जानवर घास फूस खाते हैं, दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, हम रसगुल्ला खाते हैं, इसलिए श्रेष्ठ नहीं है? बाकी लोगों को कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता, हम लोग अपनी मर्जी के वस्त्र पहनते हैं, इसलिए श्रेष्ठ है? कहना बच्चे वो भी पैदा करते हैं, इंसान भी पैदा करता है। पेट और प्रजनन के लिए इंसान का जन्म नहीं है। इतना श्रेष्ठ जन्म अगर मिला है तो कुछ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मिला है। और श्रेष्ठ कार्य क्या है? यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ हमारी संस्कृति का पिता है। यज्ञ को ब्रह्मा ने मनुष्य का सहोदर बनाकर पैदा किया और उसको कहा कि तुम यज्ञ को करो, यज्ञ से तुम्हारा पोषण होगा और तुम और यज्ञ का पोषण तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। पहले समय में सभी घरों में यज्ञ होता था। पहले समय में साधु सन्यासी जो भिक्षा याटन कर करके अपना जीवन यापन करते थे, 5 घरों में बस मांगते थे, लेकिन वो 5 घरों में मांगने से पहले भी ये देख लेते थे कि जिस घर में हम मांगने जा रहे हैं वहाँ यज्ञ होता है कि नहीं होता, वहाँ यज्ञ की सुगंधि है कि नहीं है। अगर वहाँ है तो वहाँ पात्रता है, वहाँ का भोजन पवित्र है, वहाँ के लोगों के मन पवित्र हैं, हमें वहाँ का भोजन करना चाहिए। यज्ञ आहुतियाँ देकर स्वाहा स्वाहा करने का नाम नहीं है भाई बहनों। यज्ञ एक जीवन शिक्षण है। यज्ञ प्रकृति में हर वक्त होता है, अभी भी यज्ञ हो रहा है, यज्ञ आपके शरीर में होता है, यज्ञ देने का नाम है। कोई व्यक्ति अपने पास ना रखकर अगर जनहितार्थ उसको बांट देता तो यज्ञ ही जीवन है। हम लोग मुंह में खाते हैं, दांत उसको चबाते हैं, अपने लिए चबाते हैं क्या? ना, दांत उससे कुछ नहीं लेते, उस समय उसको आगे बढ़ा देते हैं। पेट उसको अपने पास, स्टमक अपने पास रखता है क्या? अमाश्य भी नहीं रखता, वो आगे आंतों में बढ़ा देता है। आंत अपने पास रखती है क्या? नहीं, पाचन करके वो रक्त को दे देती है। और रक्त अपने पास रखता है क्या? नहीं, वो हर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा देता है और वह शरीर के काम भोजन आता है। तो क्या हुआ, अगर वो अपने तक समेट कर मुंह रखता तो मुंह भर जाता, अगर यहां रखता आगे ना बढ़ता भोजन तो थोड़ी देर बाद भवन करना पड़ता। ऐसे ही प्रकृति में आप देखें कि जब सूर्य की धूप निकलती है तो पानी को भाप बना देती है, समुद्र या नदियां पानी अपने पास नहीं रखती, भाप बन करके वो ऊपर उड़ जाती है, बादल में चली जाती है, बादल उसको अपने पास नहीं रखता, जहां आवश्यकता होती है वहां ले जाकर वर्षा कर देता है, और खेत अपने पास नहीं रखता वो फसल को दे देता है, और फसल अपने पास नहीं रखती वो हमारे पास आ जाती है, हम उसको खा लेते हैं। यज्ञ से ही ये सृष्टि चल रही है। जिस दिन किसी ने भी स्वार्थ साधा, प्रकृति ने अगर स्वार्थ साधा, अपने पास ही सीमित रख लिया तो हमारा जीवन संपन्न नहीं होगा। लेकिन हमारी क्या भावना रहती है आजकल की? आमतौर पर अपने ही पास रखने की भावना रहती है। धन है तो हमारे लिए, संपदा है तो हमारे और हमारे बच्चों के लिए, परिवार में भाई भाई के लिए करने को तैयार नहीं है, भाई भाई के लिए भी खर्च करने को तैयार नहीं है, भावनाएं संकुचित होती जा रही है। यह यज्ञ जीवन दोबारा हमारे घरों में आए, हमारे विचारों में आए, हमारे बालकों में आए, यह हमारा और आपका फर्ज है। वरना आने वाली पीढ़ी देना नहीं सीखेगी, सिर्फ लेना सीखेगी। तो स्वार्थ से जब हम परमार्थ की तरफ बढ़ जाते हैं उसी को यज्ञ कहते हैं। और वही आज हम यहाँ ये बालक यहाँ खेल रहे हैं, हमारे घरों में इस तरह का माहौल बने कि हम अपने बालकों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार बता सके क्या होते हैं। यह आयोजन इसलिए नहीं किया कि अतुल जी भाई साहब ने
कि यहाँ चार छह लोग इकट्ठे होंगे और शाम का समय ऐसे ही कट जाएगा भगवान का नाम, कुछ और दृष्टि से किया है इसका आयोजन। हम लोग वास्तव में चाहते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जो विश्व की प्रथम संस्कृति है, हमारे बच्चे उसको जानें। आज ऐसे उनके पास कहीं भी आइडियल्स नहीं है जो उनसे सीख सकें, समझ सकें। हमने जो उन्हें सिखाया वो सीख रहे हैं। हमने सिखाया है कि गणेश जी का विसर्जन होगा तो आप गणेश जी के सामने नाचते हुए चलेंगे, उतना अध्यात्म सिखाया है। या आप सिर्फ कांवड़ लेने के लिए और कुछ काम नहीं है तो चले जाएंगे, और किस तरह का अध्यात्म हम लोग अपने बालकों को सिखा रहे हैं। अध्यात्म की सच्ची परिभाषा हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे कि जप क्या है, यज्ञ क्या है, संस्कार क्या है, देना क्या है, बड़ों का आदर क्या है। वो संस्कार ना सिखाकर हम लोग वो वहां से सीख रहे हैं जो वो यूट्यूब पर देखते हैं, जो चैनल पर देखते हैं, जो बाहर होते हुए देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। उनके लिए अध्यात्म सिर्फ इतना ही है कि जिस दिन गणेश विसर्जन हो थोड़ा सा रंग लगा कर नाच लेंगे, यज्ञ हो गया, अध्यात्म पूरा हो गया। उससे ज्यादा हमने उन्हें सिखाया नहीं है। वो सिखाने के लिए जब तक हम ऐसे आयोजन नहीं करेंगे तब तक आपके और हमारे घर के बच्चे, फिर हम कहते हैं कि बच्चे सीखते नहीं है, हमारा कहना नहीं मानते। तो आप लोग इस तरह के आयोजन अपने घरों में भी करें। अतुल जी भाई साहब को बता दें, किसी भी बच्चे का जन्मदिन हो आपके घर में तो हमें बुला लीजिए, चाहे 10 आदमी होंगे 5 आदमी होंगे, तब भी हम वही यज्ञ कराएंगे जो आज यहाँ करेंगे। किसी का विवाह उत्सव हो तो बुला लीजिए। और आज हम यहाँ 100-150 लोग हैं, इस तरह का आयोजन हम लोग बड़े बड़े, अभी 24 कुंडी यज्ञ आप ही के पास नोएडा में था, उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था। आप वो बोर्ड देख रहे हैं सामने, 108 कुंडी है यज्ञ, 108 कुंड बनेंगे, और एक कुंड पर अगर 10 व्यक्ति बैठते हैं तो एक बार में 1180 लोग बैठेंगे, 1100 लोग करीब बैठेंगे, और ऐसी 10 पारियां भी होंगी तो 10,000 आदमी रोजाना यज्ञ करेंगे। तो 10,000 आदमी रोजाना यज्ञ 5 दिन तक करेंगे तो 50,000 आदमी उस आयोजन में सम्मिलित होंगे और उस संस्कार को जान पाएंगे जिनको गायत्री परिवार जन जन तक पहुंचाना चाहता है। एक संस्कार आजकल गायत्री परिवार का और चल रहा है, बहने यहाँ ज्यादा है इसलिए मैं बता दूं आपको। बालक जब माँ के गर्भ में होता है, सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु था तभी से उसने सीख लिया था चक्रव्यूह का वेदन। माँ के गर्भ में जब बालक आता है उसी दिन से सीखना शुरू कर देता है। कहाँ से सीखता है? सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखता है जिसके गर्भ में बालक है। माँ अगर प्रसन्नचित रहती है, परिवार में अच्छा माहौल अगर है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव उस बालक के ऊपर जो गर्भ में पल रहा है पड़ता है। बालक भी कैसा होगा? जब बालक का जन्म होगा तो वो प्रसन्नचित रहने वाला बालक होगा। और चिड़चिड़ी माँ हो, गुस्साखोर माँ हो, दूसरों से चिड़ने वाली माँ हो, चटोरी माँ हो, तो उसका बालक भी कैसा होगा? दुबला होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सेबाज होगा, है ना, और अकेला एकांत पसंद करने वाला होगा। अगर परिवार का माहौल ठीक ना हो तब उसका नकारात्मक प्रभाव बालक पर पड़ेगा। तो हम लोग एक संस्कार करते हैं, पहले हर घर में हर गर्भवती का होता था जिसको पंचवन संस्कार कहते थे। अभी गर्भोत्सव संस्कार के नाम से जब 3 माह का गर्भ हो तो गर्भोत्सव संस्कार कराया जाता है। कोई भी आपके परिवार में कोई बहन है, आसपास है, तो आप गायत्री परिवार से संपर्क कीजिए, गुप्ता जी भाई साहब को बताइए कि हमारे घर में या हमारे पड़ोस में ये बहन जी है, इनका गर्भोत्सव संस्कार होना है। गायत्री परिवार से जन आएंगे, बहनें आएंगी और वो गर्भोत्सव संस्कार कराकर आपके आ जाएंगी। आप देखिएगा कि कैसी संतान होती है। जिन बच्चों का गर्भोत्सव संस्कार हुआ है उन घरों से ये रिपोर्ट आई है, पूरी रिसर्च है कि उन बालकों का व्यवहार शुरू से लेकर बाद तक बहुत अच्छा रहता है और वो सकारात्मक विचारों वाले बालक बनते हैं। आइए यज्ञ को हम लोग आगे बढ़ाएं। देवकर्म जब भी हम करते हैं तो ईश्वर को पवित्रता प्रिय है, इसलिए सामूहिक रूप से पवित्रीकरण जल का हम लोग आप लोगों के ऊपर छींटा दे देंगे भाई साहब, और सामूहिक पवित्रीकरण होगा।